नमस्कार, कैसे हैं आप हमारे सभी दर्शक। आपको बता दें कि आज बड़ी खबर कोरोना को लेकर आ रही है। आज हम आपके सामने कुछ फैक्ट्स लेकर आ रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें जो देखकर आप शायद हैरान हो जाएंगे। देखिए, आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि कोरोना में वैक्सीनेशन का क्या रोल रहेगा। आपको यह बताना बहुत जरूरी हो गया है कि अब जो कोरोना की वेव आ रही है ये कितनी खतरनाक है। शुरुआत करते हैं आज एक बहुत ही शानदार तस्वीर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स में लगवाया कोरोना का पहला टीका। पीएम मोदी को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली डोज दी गई। तस्वीरें आपके सामने। एम्स में केरल पुडुचेरी की नर्स ने प्रधानमंत्री मोदी को टीका लगाया। गले में असम का गमछा डालकर एम्स पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी। वैक्सीनेशन के बाद पीएम ने सभी योग्य लोगों से की वैक्सीन लगवाने की अपील। फुल फ्रेम पे जरा शॉट दिखाएं, क्योंकि यहां पर एक और चीज है। जिन लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर डर है, उनके मन में शंकाएं हैं, तो ये उसका भी एक जवाब है। ये देखें आप, प्रधानमंत्री जी ने वहां पर सीधे तौर पर वैक्सीन लगवा के एक बहुत क्लियर कट मैसेज भी दे दिया है। ये देखें, और मैं चाहूंगा इसके बगल में ब्रेकिंग हमारे दर्शकों को हम दिखाते ना, और मैं सीधे चलूंगा हमारे सहयोगी। हमारे साथ हैं सीधे कुमार कुंदन, प्रधानमंत्री एम्स में पहुंचे, उन्होंने वैक्सीन लगवाई। मेरा बड़ा सवाल यह है, क्या इससे एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर नहीं हो रहा है लोगों के मन में, जिनको वैक्सीन को लेकर थोड़ा भी संशय है, सवाल है कि देखिए वैक्सीन से एलर्जी हो सकती है, वैक्सीन से यह हो सकता है, वो हो सकता है। देखिए, दो तीन बातें कहना चाहूंगा निशांत। प्रधानमंत्री जो कुछ भी करते हैं वो अपने आप में एक नज़ीर होती है, खास करके देश की जनता के लिए। ये वो शख्स हैं जो बिना किसी डंडे के देश में लॉकडाउन उनके सिर्फ ज़बान पर लग गई थी। दूसरी बात, आज जब उन्होंने वैक्सीन लगवाई उसके बाद जब वो एम्स से निकले तो हाथ वेव करते हुए बाहर निकल रहे थे, यह बताने के लिए काफ़ी था कि उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आधे घंटे पहले, एक घंटे पहले लग चुका है, वो बिल्कुल ठीक है। तीसरी और सबसे बड़ी जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री के वैक्सीन लगाने के बाद से जो हमें जानकारी मिली है, तकरीबन 12 लाख लोगों ने अब तक रजिस्टर्ड करवा लिया है अपना वैक्सीनेशन के लिए। ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं कल हिच कर रहे थे। तो आपने जो सवाल किया वो बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री के करने के बाद आपको कुमार कुंदन ये जो खबर बना रहे, मैं चाहूंगा इसको ब्रेकिंग के तौर पर ले हम लोग। कुमार कुंदन, एक बार फिर से, प्रधानमंत्री की वैक्सीनेशन से प्रभावित होकर लोगों ने वैक्सीन के लिए कराया रजिस्ट्रेशन, करीब 12 लाख लोगों ने प्रधानमंत्री के वैक्सीन लगवाने के बाद रजिस्ट्रेशन कराया कोरोना का टीका लगाने के लिए। मैं एक बार फिर से यह खबर बता रहा हूं, आपसे थोड़ी देर में मैं चाहूंगा यह ब्रेकिंग तैयार हो। प्रधानमंत्री के वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों में वैक्सीन लगवाने को लेकर एक नई इच्छा शक्ति, नंबर वन। नंबर टू, प्रधानमंत्री के वैक्सीन के बाद करीब 12 लोगों ने वैक्सीन को लगाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। कुमार कुंदन, ये बहुत अच्छी खबर है। निश्चित रूप से, और ये आंकड़ा बढ़ रहा है। अभी अभी हम स्वास्थ्य मंत्रालय में ही खड़े थे और वहाँ बाकायदा सूत्रों में बताया और खुद स्वास्थ्य मंत्री ने भी बताया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने, तो यह बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जो काम करते हैं, जो अपील करते हैं, उस अपील का असर होता है। और आज जो उन्होंने किया, जो एक मिथ किन्हीं के लोगों में, आपको बताऊं निशांत की 10 लाख ऐसे हेल्थ केयर वर्कर थे जिन्होंने पहले डोज लेने के बाद दूसरा डोज लिया ही नहीं। तो ये सब जो मिथ था, उन सारे मिथों पर आज प्रधानमंत्री ने पर्दा डबाते हुए, पूर्ण विराम डालते हुए आज उन्होंने जो किया है उसके बाद से लाइन लगी पड़ी हुई है। कुमार कुंदन, एक और चीज है जो बड़ी बात है, सब लोग यहाँ पर हम वैक्सीनेशन ले रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि हम ऐसा नहीं है कि लोग सोचें कि ये प्रधानमंत्री का गुणगान कर रहा है चैनल, लेकिन देश का सबसे बड़ा नेता कोई संदेश भी दे रहा है तो वो संदेश भी लेना जरूरी है। यहां पर एक और मैसेज प्रधानमंत्री ने दिया है, आउट ऑफ टर्न लाके कोई अपना ताकत का, अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल ना करे, आपका जब टाइम आएगा तभी आप वैक्सीन लगवाएं। निश्चित रूप से निशांत, प्रधानमंत्री ने, अगर प्रधानमंत्री चाहते तो अमूमन देश में वीवीआईपी कल्चर बहुत ही देखा जाता है, लोग लाइन तोड़कर काम करने में ज्यादा जो है रुचि रखते हैं, खास करके कई सारे ऐसे लोगों की मेंटालिटी होती है।
प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि अपनी बारी का इंतजार कीजिए, और उसी बारी का इंतजार करने की वजह है आज प्रधानमंत्री खुद जब उनकी बारी आई 60 साल के पार लोगों में, तो आज जाके वैक्सीनेशन कराया। डॉक्टर हर्षवर्धन जो पेशे से डॉक्टर हैं, अगर वो चाहते तो हेल्थ केयर वर्कर के तौर पर अपना वैक्सीनेशन पहले ही करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने भी नहीं करवाया, अपनी बारी का इंतजार किया, 60 साल के बाद वाले ग्रुप में आए और अब कल जाके वो अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में कई सारी नजीर पेश की है। ओके, पॉइंट नोटेड। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।